शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर से आने वाले वीडियो देख करके दिल नहीं दहलता है, कलेजा नहीं कांपता है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर ये लगता है कि देश के अंदर सिर्फ सड़ी गले लाशें बची हुई हैं, कोई इंसान ही नहीं बचा हुआ है। आपको बताया कि मणिपुर से जिस तरीके के कल वीडियो सामने आए हैं उसके बाद पूरे देश के अंदर एक आक्रोश देखा जा रहा है। मणिपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हिंसा भड़का हुआ है, अलग अलग घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से वीडियो सामने आया कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्टों को टच किया जा रहा है, उनकी बलात्कार की घटना हुई है, उन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद से पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है। और आज मानसून सत्र का पहला दिन देश के प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान 36 सेकंड के लिए मणिपुर की घटना पर बोलते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस के नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो पूरी तरीके से आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया उस पर मोदी जी के पास बोलने के लिए समय नहीं है, मात्र 36 सेकंड बोलते हैं। वो बेशरम लोग हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया अभी तक, उनसे उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। तमाम घटना के बाद से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उबाल है उस पर कड़ा प्रतिक्रिया दिया है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। आप उनकी वीडियो को देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्यवाही की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में दो औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनकी उनके को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। FIR हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती।